दहशतगर्दी और बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। तो लेट्स सी कि अब ये कैसे सूरत हाल आगे डेवलप होती है। जी तो अभी खबर है हमारे पास कि ये जो 9 मई को तोड़ फोड़ का वाकया पेश आया था उसमें मुईद पीरजादा, साबिर शाकिर, सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया थाना पारा में। अच्छा, जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें जो दफात हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी और बगावत की हैं, और मतन जो है वो इसका ये है कि मुलजमान ने वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोगों को उकसाया। ज़ुल्करनैन हैदर हमारे नुमाइंदे साथ हैं, उनसे डिटेल जान लेते हैं। बताइए ज़ुल्करनैन, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये थाना पारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मुकदमे में इंसाद दहशतगर्दी और बगावत की दफा दर्ज की गई है और कहा गया है कि साबिर शाकिर, मुईद हसन पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन ने 9 मई को जो है वीडियो के जरिए लोगों को इश्तेहार दिलाने की कोशिश की और उसमें ये भी कहा कि अस्करी इमारतों पर जो है हमला किया जाए और साधारण लोगों को उकसाया गया है कि मुल्क के अंदर बगावत और इंतजार फैलाया जाए। मुलजमान मुनजम साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के अलाकार भी बने हुए हैं। अब ये मुकदमा जो है थाना आपारा में एक शहरी हैं माजिद महमूद, उनकी दरखास्त पर दर्ज किया गया है। जी ठीक है ज़ुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी।